ऊंट और बलोचों का ताल्लुक आज के दौर में भी बहुत मजबूती से कायम है। पानी या खुराक की फरामी की बात हो, बलोचों की जिंदगी में ऊंट एक लाजमी जुज है। बलोचिस्तान में इस वक्त कई मुनफरिद लाइब्रेरियां काम कर रही हैं, जिनमें से एक कैमल लाइब्रेरी है। मैंने इस दफ़ा गवादर के इलाके पेशुकान की अस्ताल ऊंट लाइब्रेरी का दौरा किया था। अस्ताल बलोची जुबान में सितारे को कहते हैं। बलोचिस्तान के रिमोट एरियाज में किताब के कल्चर को फरोग देने के लिए इस लाइब्रेरी का आगाज किया गया। ये आइडिया लाहौर की एक एनजीओ का था। बलोचिस्तान के इन इलाकों में गाड़ी या रिक्शा लाइब्रेरी चलाना मुश्किल काम था। ये इलाके सड़क से ज़रा हटकर हैं और सहराई इलाका होने के बायस यहाँ ऊँट ज़्यादा कारामत था। सबसे पहले बच्चों के वालदैन को कायल किया गया और उन्होंने इस मंसूबे को खुश आमदीद कहा। ये ऊँट लाइब्रेरी हफ्ते के 6 दिन काम करती है, जबकि एक गांव का विजिट 3 दिन होता है। इस ऊँट को किताबों से सजाया जाता है और फिर मुतल्लिका गांव ले जाया जाता है। मकामी लोग ऊँट लाइब्रेरी को अपने इलाके में वेलकम करते हैं। ऊँट एक गांव में 2 से 3 घंटे कयाम करता है। बच्चे कुछ देर वहां बैठकर किताबें पढ़ते हैं और फिर वो किताब को साथ लेकर घर जाते हैं। अगले विजिट में किताब वापस करके नई किताब ले जाते हैं। ये किताबें बच्चों को फ्री में फराहम की जाती हैं। इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मकामी तौर पर भी लोग तावन कर रहे हैं। हम ऐसे ही एक वॉलंटियर इस्माइल से मिले, जो कि पिशुकान के इलाके में कैमल लाइब्रेरी को चला रहे हैं। मेरा नाम इस्माइल याकूब है, मेरी ताल्लुक गवादर से है। मैं कैमल लाइब्रेरी कमेटी का ओनर हूँ। तकरीबन 2 साल से गवादर डिस्ट्रिक्ट में कैमल लाइब्रेरी काम कर रही है। इन इलाकों में पलेरी और पिशुकान के देहात शामिल हैं। इन 2 देहातों में 300 के करीब बच्चे इस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाते हैं। ये लाइब्रेरी अभी उनके सामने में खड़े हूँ, इसे 8 महीने हो रहे हैं। तो वो फलेरी वाले लाइब्रेरी हैं, मेरे चिराग कैमल उसका नाम है, तो उसे 2 साल मुकम्मल हो चुका है। इस कैमल लाइब्रेरी के लिए देहात वो चुने गए जहाँ स्कूल कम थे। ये लाइब्रेरियाँ उस वक्त शुरू की गईं जब बलोचिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की वजह से स्कूल बंद थे और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। तो मैसेज तो हमारा ये है कि हम लोग सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे कमेटी को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने ये कमेटी चला रहे हैं अपनी मदद आपकी तहत। कोई अगर सरकारी सपोर्ट हमारे साथ रही है तो हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में जहाँ अब भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, वहाँ ये ऊँट लाइब्रेरी शानदार काम कर रही है।